अब जब पोषण की बात आती है, कोई भी औषधीय पौधे या फिर खेती करते हैं, सब्जी का उत्पादन करते हैं, तो जमीन में संतुलित मात्रा में आहार यानी खाद और उर्वरक की जो सिफारिश की जाती है, तब अपनी बात अपन करते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जैसे सब्जी रोटी खाता है, मान लिया दाल रोटी, अब उसको दोनों टाइम खाना मिलता है, और खाने के साथ आप फल फ्रूट भी खा लेते हैं, मावे की बहुत सारी मिठाई भी खा लेते हैं, यानी घर में सब सुविधा है, दाल रोटी आपको, सब्जी रोटी टाइम से मिल रही, फल फ्रूट भी खाने के साथ मिल रहा है, मान लिया मिठाई का बीज भी आपको मिल रहा है, फिर भी आप लोग क्या करते हैं, मान लिया सर्दी में मोगरे के या मेथी के लड्डू बनाकर खा लेते हैं। यानी आप ये क्यों खाते हैं, उसका मेन प्रश्न है, हर आदमी चाहता है उसकी उम्र बढ़ाना, यानी सुखी आदमी कोई जल्दी नहीं मरना चाहता, 100 बरस हो गया बाकी इच्छा, 100 बरस में जिंदा रहूं, कोई मरना चाहता है क्या मुझे बताओ, कोई नहीं मरना चाहता, वो आत्महत्या कर, यानी क्रोध में वो बात अलग है, घटना अपवाद है, बाकी पहले कोई जल्दी कोई नहीं मरना चाहता, हर आदमी चाहता मेरी उम्र बढ़े, दूसरा चाहता आदमी चाहता मेरे शरीर के अंदर जो ताकत है वो ताकत मेंटेन रहे, यानी कमजोरी महसूस नहीं हो, इसलिए आप सर्दी में मोगरे के या मेथी के लड्डू बनाकर खा लेते। लेकिन किसान ये नहीं सोचता मेरी इस जमीन में भी मोगरे के लड्डू चाहिए कि नहीं चाहिए, कभी जमीन को धरती माता को कभी मोगरे के लड्डू नहीं खिलाते, यानी किसान ज्यादातर 2 या 3 तरह की खाद डालता है उत्पादन लेने के लिए, थोड़े काले राबोड़े खाद के साथ पड़े रहे हो, यानी देसी खाद तो कम हो गया, पशु कम हो गया, यानी देसी खाद कम्पोस्ट खाद, उसके बाद गोबर की खाद इतनी है नहीं, और गोबर की खाद है तो उसको ढंग से बनाता नहीं, यानी किसान की जो प्रैक्टिस है गोबर की खाद, आधा तो यूपरेशन बाप से हो जाता है, आधा पानी में करके बहकर चला जाता है, आधा कचरा डालता है तो उससे उधर ही खा जाती है, इसलिए फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होता है, और वर्मी कम्पोस्ट को वो किसान बनाता नहीं क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत है, बस वो कचरे को खेत में डालता है, कचरे में डालता है, जैसे कचरा खेत में, आज तक की रोड़ी को खेत में ले जाकर किसान डालता है, तो रोड़ी की हालत जो बरसात के टाइम पहले से खेत किसान में डालता है, तो रोड़ी की हालत जो है आज तक की आधा कच्चा आधा पक्का वो खाद होता है, लेकिन किसान तो एक का साथ ट्रॉली में भरा और खेत में ले जाकर डाल देगा। तो अपने इधर मेवाड़ में एक कहावत है, अनपढ़ो टावर गगन न खावे, अगर बच्चा अपना माले टावर है माले, अगर पूरी पढ़ाई अगर उसने नहीं की है तो नहीं तो वो नौकरी ला कर धंधो करे माले, और बड़े तक टावर ने अगर खेती में लगाओ तो पूरे खेती में भी काम नहीं करे, बच्चे माँ बाप ने आपको खर्चों को बदना है, उसानी अर्थ की रोड़ी किसान ने डुबो है। आप तो सोचो मैं अर्थ कच्चा जैसी खाद आप डालोगा तो आपके खेत में एक कीड़ा आएगा जिसको टर्माइट कहते हैं, उदय दिमक, उदय को खुशबू आ जाती है, किसान ने देसी कीड़ा चूहा का लाडू पुरस्कृत, आपकी माले पड़ोस में किसी सरकार माले कहीं रसोई हो रहा है, पड़ोसी लोगों के जहाँ काले माले रसोई है, भाई चूहा का लाडू बाटी है, तो मन में इच्छा होगी नहीं होगा काले देसी घी का चूहा का लाडू खाना, नहीं तो शाम की रोटियां भी छोड़ रहे, हमारे 5 लाडू खाने लगी थी 10 लाडू टक्का ना आ रहा, तो उससे क्या होता है, उसी तरीके से जमीन में अगर आपने कच्चा गोबर डाला उन्हें को खुशबू आएगी, किसान मैंने देसी घी का लाडू पुरुष, पहले आपके खेत में कभी दिमक नहीं है, आजू बाजू का खेत में कच्चा गोबर ना खाए, जाला मुर्जा ना खाए, काचो बच्चा आप फसल बोगा, जो भी फसल बोगा वही दिमाग आपकी फसल में चढ़ करेगी, बच्चा आप लोग कहोगे सब आगे जमीन में तो उदय की गणित समस्या आ रही है, इसलिए उदय को तो अपन देसी घी का चूरमा का लाडू खिला रहा है, लाडू खाओ कोई मना कर, इसलिए उसका गोबर जो है उसको सही तरह से पका हुआ खाद अपन को डालना चाहिए। अब जब अपन पोषण की बात करते हैं तो कम से कम कोई भी पौधा है, जैसे आप जमीन के अंदर बीज डालोगा, कोई भी चाहे कोई सब्जी वाला पौधा है हमारे, अनाज वाले या आपका औषधीय पौधा है हमारे, जैसे आप उसके अंदर लगाओगा कम से कम उसको 16 तरह का भोजन चाहिए, जो पौधे के आवश्यक पोषक तत्व की अपन बात करते हैं तो कम से कम उसको चाहिए 16 तरह के पोषक तत्व,